सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा वर्ण विचार पर आधारित है। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी भाषा को लिखने से पहले हम उसके वर्णों को लिखना सीखते हैं। तो आइए आज हम वर्ण पर चर्चा करें। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 44 अर्थात 44 है। हिंदी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या 11 अर्थात 11 है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 अर्थात 33 है। तो आइए पहले हम स्वर वर्ण को समझें। जैसा कि मैंने कहा, स्वर वर्णों की संख्या 11 है, जिसमें अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ और अ है। आप देख पा रहे होंगे इन सारे स्वर वर्णों के नीचे इनके मात्रिक चिन्हों को दर्शाया गया है, अर्थात ये सारे स्वर वर्णों का प्रयोग हम मात्रा के रूप में करते हैं। और एक बात, ये स्वर वर्ण पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। तो आइए इसके बाद हम व्यंजन वर्ण को समझें। जैसा आप देख पा रहे हो, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 अर्थात 33 होती है, जिसमें क वर्ग अर्थात क, ख, ग, घ, ङ, उसी तरह च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और य, र, ल, व, तालाब्य श, मूर्धन्य श, दन्ति स और ह, ये सारे व्यंजन वर्ण हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि स्वर वर्ण पूर्णतः स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होता है। क्यों? यहाँ आप देख पा रहे हो क्या लिखा है, क, अर्थात ये क व्यंजन और स्वर दोनों के मेल से बना है। कैसे? व्यंजन क धन स्वर अ के मेल से ये क बना है, अर्थात व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से, स्वर वर्णों के मेल से बने होते हैं, जबकि स्वर वर्ण पूर्णतः स्वतंत्र होता है और इन स्वर वर्णों को हम व्यंजन वर्णों में मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। आइए अब हम अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग को समझें। अनुस्वार का चिन्ह अक्षरों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक, अर्थात ये नासिक ध्वनियाँ होती हैं, जिसमें व्यंजन वर्णों के पंचमाक्षरों को हम बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, हंस अर्थात ह, आधा न, अर्थात ये त वर्ग का पंचमाक्षर न का आधा न होता है, जिसका हम न को बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। उसी तरह पंख में अंग, अंग को हम क्या किए हैं, बिंदी के रूप में प्रयोग किए हैं, ठीक है। उसी तरह शंख, शंख में अंग को हम बिंदी के रूप में प्रयोग किए हैं, अर्थात ये अंग और ये न, ये सब अनुस्वार के रूप में प्रयोग किए गए हैं। इसके बाद अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह
अर्धचंद्र के रूप में किया जाता है। इसका उच्चारण स्थान नाक और मुख होता है, जैसे चांद, आँख, गांव आदि। इसके बाद विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग हम शब्दों के अंत में दो बिंदु लगाकर करते हैं, जिसका उच्चारण ह होता है, जैसे अतः, नमः, प्रातः आदि। तो आज हमने वर्ण, वर्ण के भेद, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग को समझा। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो कुछ भी आपको समझाया वो आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। और वर्ण विचार के अन्य बिंदुओं पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।